हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो हमने डेंथस की फ्रेंच 4 फरवरी या 3 को कटिंग लगाई थी, अब दिखाते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल है, क्या कंडीशन है। इसने इसमें ग्रोथ तो नहीं आई हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए। अब इसके देख लेते हैं रूट्स वगैरह आई हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, इसने रूट्स भी निकाल लिए हैं, दिख रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये कटिंग चल पड़ी है, अब ये गर्मियों के लिए नया प्लांट तैयार हो, बचा रहेगा तो ठीक है, नया प्लांट तैयार हो गया, अभी तो इसी में ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, जब और इसकी ग्रोथ हो जाएगी, थोड़ा और हो जाएगा बड़ा, फिर हम इसको दूसरे गमले में कर लेंगे शिफ्ट। अब इसी में रहने देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि ये हमारी कटिंग से आसानी से चल पड़ते हैं डेंथस के, तो हम अगर एक लेकर आए तो हम कटिंग करके और लगा कर कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसको अब तो चलो सीजन जा रहा है, वैसे चलो जितनी देर ये गर्मियों में निकालेगा तो बच भी सकता है, कह नहीं सकते फ्रेंच डेंथस बारे, अगर चलता रहा तो गर्मियों के लिए रहेगा, न्यू प्लांट एक बना रहेगा डेंथस का, बचा रहेगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने ये एक आंवला की कटिंग भी ग्रो की हुई है, इसका भी देख लेते हैं, ऊपर से कवर की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये भी चल पड़ी है, ये देखिए इसने निकाले हैं, ये हो रही है यहाँ से ना, ये यहाँ से ये देखिए ग्रो हो रही है। तो इसको भी अभी यहीं रहने देते हैं और ऐसे ही कवर ही कर देते हैं, ये थोड़ी और हो जाए ग्रोथ इसकी, फिर इसको कहीं और कर देंगे, नहीं तो यहीं।